दान करके दान करके स्वच्छता के बागनाथ फल कल्याण समिति ने नगर में स्वच्छता अभियान संचालित कर लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया है। साथ ही गरीबों और निराश्रित लोगों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल तथा अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बागनाथ फल कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। समिति के अध्यक्ष किशन राम व महामंत्री भीम कुमार ने बताया कि फल कल्याण समिति समय समय पर स्वच्छता अभियान सहित जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करती रहती है। समिति ने लोगों से नगर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। बागनाथ फल व्यवसाय कल्याण समिति ने 26 जनवरी के शुभ अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया। सर्वप्रथम हमने गांधी पार्क बागेश्वर केमिस्ट स्टेशन के पास से शुरुआत की। उसके बाद घटगढ़ वार्ड में हमने स्वच्छता अभियान चलाया और जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। और उसके साथ ही हमारा जो ये अभियान घटगढ़ वार्ड के नीलेश्वर के तलहटी से लेके मलिन बस्ती होते हुए बागनाथ जो मंदिर गेट है वहाँ तक हमने ये कार्यक्रम करने का हमने निश्चय किया है, आज किया। तो इसी तरह से हमें इस घटगढ़ वार्ड में हमारा एक व्यक्ति जिसका न माँ और न बाप, कोई उसका ऐसा कोई देने वाला भी नहीं है और कुछ मानसिक भी उसका कुछ ऐसा है कि दिमाग की हालत भी कुछ सही नहीं है, तो उसके लिए न रहने के लिए न यहाँ पर कुछ ऐसी तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर बिल्कुल अपने हाथ से उसने कपड़े से ही मतलब ये धोती से उसने अपने चार दीवारी बना के अपना यहाँ पर रह रहा था, जिसमें कि जैसा अंदर जैसा कि पूरे पानी पानी से मतलब पूरा बिस्तर जो भी उसके पास फटे पुराने कपड़े थे पूरे भीगे हुए थे। तो उसमें समिति ने ये निश्चय किया कि हम उस गरीब असहाय जो व्यक्ति है उसकी मदद करें। तो समिति द्वारा उसे एक गद्दा और कंबल और उसके लिए कपड़े हो गए, जूता हो गया है, और सारे जो उसके जो खाने की जो थोड़ी चीज़ें हैं वो भी आज फल समिति द्वारा उसे दिया जा रहा है। सर, प्रथम तो मैं हमारे जो बागनाथ फल कल्याण समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं आदरणीय किशन राम जी, उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको नमन करता हूँ, और बाबा बागनाथ जी से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो इस क्षेत्र में, इस नगर क्षेत्र ही नहीं, इस पूरे बागेश्वर जिले में या बागेश्वर जिले के बाहर भी जो सामाजिक कार्यों में जो अग्रणी उनकी जो भूमिका रहती है, और भगवान बागनाथ उनको और ताकत दे, इस समाज सेवा के लिए ताकत दे, उनको ऊर्जा प्रदान करे, उसको ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। और इसी संदर्भ में आज 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बागनाथ फल कल्याण समिति के माध्यम से आज एक स्वच्छता अभियान जो हमारा गांधी पार्क जो हमारा निकट स्टेशन रोड पर है वहाँ पर जाकर हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया, और उस प्रांगण को जो हमारी धरोहर है उसको स्वच्छ बनाने का जो हमने एक संकल्प लिया है उसको हमने यहाँ पर उसकी शुरुआत की है। और उसके अतिरिक्त आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर जो हमारी मलिन बस्ती है, नगर क्षेत्र के जो घटबगड़ वार्ड है जो मलिन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग उस क्षेत्र में भी आए हैं। और उस क्षेत्र में आज हमको एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर मिला, हमारा एक ऐसा भाई मिला जिसके अंदर काफ़ी अपने समय में काफ़ी प्रतिभा थी, काफ़ी प्रतिभावान था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसके आज मानसिक जो संतुलन है वो आज ठीक नहीं है। आज हम उसके पास आए हैं, उसको जो है उसके लिए रहने के लिए बिस्तर है, कंबल है और कपड़े हैं, उसके लिए चप्पलें हैं, और इसके अतिरिक्त जो उसका जो बड़े बड़े बाल हो गए थे उसके, और काफ़ी समय से कपड़े नहीं बदले थे और किसी का सहयोग न होने के कारण उसको कोई नहलाना धुलाने वाला उसको था नहीं, तो आज हमने एक संकल्प लिया है कि हम उसको यहाँ पर एक इंसान के रूप में उसको लाएंगे, जिस तरीके से पहले था उसी रूप में उसको लाएंगे, हमने ये संकल्प लिया है। और हम आगे भी महीने हर महीने में उसके पास आएंगे, उसकी जो भी समस्या है और जो भी दिक्कत है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।